हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, हाउ आर यू? एंड हमारे चैनल का सदस्य बनिएगा तो लाइफ इज़ ऑसम सिविल को आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके जो है हमारे चैनल का आप मेंबर बन जाइए तो आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा हमारे इस चैनल पर। तो प्लॉट का साइज़ 25x25 वेस्ट फेस का है, डुप्लेक्स हाउस, सॉरी ईस्ट फेस डुप्लेक्स हाउस है। एंड इसमें कुछ इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्टअप एरिया, या फिर कंस्ट्रक्ट करने में कितना कॉस्ट लगता है, कितना दिन चाहिए कंस्ट्रक्ट करने में, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस वीडियो में। देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक, मे भी आपको हेल्पफुल हो सकता है इस एक वीडियो से। ओके, चलिए हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। विंडो का साइज, कॉलम पोजिशन, ओपनिंग कितना आ रहा है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ख्याल से बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ से एंट्रेंस दिया गया, इधर से एंट्रेंस है, तो स्टेप्स जो है थोड़ा सा बाहर लेना पड़ता है। एक डेमो टाइप में एक आइडिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप ये प्लान। वर्कआउट पर्पस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे देखने में भी, बिकॉज थोड़ा सा कंजेस्टेड है। एकदम आप सीधा चले गए तो ओपनिंग रहना चाहिए या फिर और थोड़ा पार्किंग एरिया रहना चाहिए, बट उस तरह से नहीं आया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए फिर भी जो भी है, इतना पोर्शन आप छोड़ के कुछ ना कुछ आपको एक आइडिया मिल सकते हैं इस एक वीडियो से। यहाँ पर सीधा रोड को एक विंडो ले सकते हैं, तो रोड के बाजू में जो दीवार आता है ना, वहाँ पर सीधा एक विंडो लीजिए। विंडो का साइज़ लगभग आप ले सकते हैं अराउंड 4 फीट बाई 4 फीट में, और ड्राइंग रूम का साइज़ 10 फीट 9 इंच टू 12 फीट 9 इंच। एंड यहाँ पर आपके लेफ्ट में जो है किचन का साइज़ 12 फीट इंटू 7 फीट 9 इंच। एंड यहाँ पर विंडो लेना ही पड़ेगा आपको। आप चाहे तो एक छोटा सा पूजा रूम भी बना सकते हैं यहाँ पर। पूजा रूम का साइज़ लगभग, इट्स लाइक पार्टीशन वॉल बनाना ही बोल को कुछ कंपलसरी नहीं है, कर्टेन उसमें पर्दे में बना सकते हैं, पर्दा दीवार में। और देखिएगा यहाँ पर इधर ओपनिंग रखा गया है, यहाँ से फर्स्ट स्टेप को चढ़ाई करते हैं, तो ये इट्स लाइक ए एक एक्स्ट्रा एक वॉश एरिया ऐसा कुछ तो बना सकते हैं। एंड यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाद 7x4 फीट का। एंड ये है आपका बेडरूम नंबर 1, 12x10 फीट का एक बेडरूम नंबर 1 है। एंड नेक्स्ट ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का हुआ है, इधर एक बेडरूम। ओके, बात करते हैं ये वाले इस पोर्शन में। यहाँ पर सेम ये बालकनी एक्चुअली यहाँ एंटर होगा, इधर से दूसरा वाला बेडरूम में चले जाते हैं जिसका साइज़ है 12x10 फीट में। और नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस का लिंक दिया हूँ, एक बार चेक कर लीजिए होगा वहाँ पे। बेडरूम नंबर 2 साइज इज 12x10 फीट। एंड यहाँ पर देखिए कॉमन टॉयलेट बाथ 7x4 फीट का कॉमन टॉयलेट बाथ है। ओके, दूसरा वाला बेडरूम 12x10, एक कॉमन टॉयलेट बाथ 7x4 फीट। ये डाइनिंग एरिया। एंड यहाँ पर दिया गया है 10x9 इंच टू 12x9 इंच का एक लिविंग एरिया है। यहाँ पर तीसरा बेडरूम है 12x8 फीट। ओके, एंड कॉलम पोजीशन देखिएगा, यहाँ पर कॉलम पोजीशन दिया गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से, ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर ऐसे बीच में ना आ सके उसके हिसाब से देना पड़ता है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9 कॉलम हुए यहाँ तक। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हुआ स्क्रीनशॉट लेने का। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लगभग बन अराउंड कुछ नहीं बोले तो भी 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख कम ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत पर डिपेंड करता है, ओनर का टेस्ट पे डिपेंड करेगा, ओनर को किस तरह से चाहिए उस पर निर्भर रहता है। एंड दैट्स इट, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट मी टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। हैव अ ग्रेट डे।